मैं क्या देख रहा हूँ आपके गन्ना बीडर में, किसान भाइयों आपने भी देखा होगा क्योंकि मैं भी और आप भी गन्ना बीडर देखते रहते हैं, ये वाली चीज किसी भी गन्ना बीडर में नहीं दी गई। नहीं आती जी, बिल्कुल नहीं आती है। ये इसकी मजबूताई के लिए दी गई। बिल्कुल बिल्कुल हैवी क्वालिटी है, मजबूताई के दी हुई है। और किसान साथियों आप देख सकते हैं कंपनी ने छोटे छोटे जो इसमें बदलाव किए हैं उससे ये रूटावेटर कामयाब होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप टॉप फ्रेम देखो, इसमें बुश लगा के दिया है, बुश लगा के दिया है जिससे कि किसान को कोई मरम्मत ना करनी पड़े, ऊपर भी नीचे भी। हाँ जी, नीचे लिंकों पे भी बुश है और ऊपर भी बुश है, देखिए। और पाली भी एडजस्टिंग है। हाँ जी, ये पिन से एडजस्टिंग है, आप पिन निकाल के इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। ये अपना 580 केजी वेट में इतना हैवी मजबूती में बना हुआ है, किसी कंपनी का नहीं है। अगर हम देसी भाषा में बोले 5 क्विंटल 80 किलो, 5 क्विंटल 80 किलो। हाँ जी, ये बोल्ट पे है, सभी कंपनी क्या देती है, वेल्ड पे देती है। अच्छा, अगर 5-7 साल बाद इसमें कोई कभी शिकायत आई गियर बॉक्स में तो क्या होता है, वेल्ड काटना पड़ता है। अच्छा है जी, ये इसलिए हमारे बोल्ट पे दिया है, आसानी से रिपेयरिंग कर सकता है। अच्छा, बैट कितनी ज्यादा है किसान भाइयों, करीबन 7-7.5 हैवी बैट, 8 इंच बैट है इसकी। ये नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज मैं आया हूं मनमीत भाई के पास, जो कि एग्रीजोन कंपनी के पूरे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर। जो सामने देख रहे हैं ट्रैक्टर है सोनालिका का DI-55, और किसान से आपकी बातचीत कराएंगे। किसान ने रूटावेटर खरीदा है मनमीत भाई से, किसान एग्रीजोन का रूटावेटर लेकर खुश है या फिर रूटावेटर सही नहीं है, पूरी सच्चाई आज किसान बताने वाले हैं। सबसे पहले आपका परिचय जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब है उनसे कराते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है मनमीत सिंह। हाँ जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के जुजोया कस्बे में खालसा एग्रीकल्चर स्टोर के नाम से मेरी शॉप है। हाँ जी, एग्रीजोन के मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इम्प्लीमेंट्स का। हाँ जी जी, और ये मेरा एग्रीजोन का गन्ना वीडर है। हाँ जी, जो कि 3 रो में 36 ब्लेड में आता है। हाँ जी, मैं भी काफी दिनों से किसानों के लिए एक ऐसा गन्ना वीडर ढूंढ रहा हूँ जिसमें सारी खासियत हो। बिल्कुल, खासियत मैं आपको बताऊंगा, एक तो पाउडर कोटेड कलर हो। जी जी, नहीं उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, कंपनी का गन्ना वीडर है। हाँ जी, सबसे पहले तो किसान भाई को हमारे ये समझना चाहिए क्या चीज कंपनी की है, क्या चीज अपनी देसी बनाई हुई है। हाँ जी, ये जी गवर्नमेंट से अप्रूवल है, कंपनी की चीज है। हाँ जी, पटियाला में इसकी कंपनी है। हाँ जी, जो कि एग्रीजोन के नाम से है। अच्छा जी, पाउडर कोटेड कलर है, पाउडर कोटेड पेंट है, जो भी कंपनी की चीज होगी पाउडर कोटेड ही पेंट वाली होगी। अच्छा जी, जैसे कि इसका रूटावेटर जो है सादा वाला सबसे हैवी है। बिल्कुल, सबसे हैवी। इसी तरह से गन्ना वीडर भी हैवी है। इसी तरीके से गन्ना वीडर भी इतना हैवी मजबूती में 580 केजी वेट है, जो कि सभी गन्ना वीडर से इतना हैवी मजबूती में कोई दे नहीं सकता। किसान को माइक दीजिए, किसान बताएंगे, किसान ने खरीदा है, किसान को ही पता होता है कि रूटावेटर में क्या क्या कमियां हैं। ले लो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप हमारे किसान साथियों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम लक्ष्मण दास है। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जोया शिवनगर के पास में रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका जो ट्रैक्टर है ये सोनालिका DI-55 है, 55 HP का है, कितने का है? 55 HP का ही है। 55 HP का है। आपने जैसे ये एग्रीजोन वालों का सुगर कैन बीटल लिया है, कैसा लगा है आपको, सही सही बताना। ये देखो, सबसे बढ़िया तो खासियत इसकी बैठने की है। अच्छा, सबसे बढ़िया खासियत यह है कि जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो उसे। अच्छा, जैसे कि कुछ रूटर वेटर आते हैं, ये जो 3 गोल जोतने वाले कूदते हैं, बैठ नहीं पाते, धड़कन सी हलते हैं। हाँ, अगर ये जो है ये बिल्कुल नहीं हलता। अच्छा, जब चलता है बिल्कुल। मैंने गन्ना वीडरों में एक और बात देखी है, अगर इसे आप उठा के चलाओगे हल्का सा तो वे आवाज बहुत करते हैं, खड़खड़ खड़खड़, ये तो नहीं करता? नहीं नहीं, आवाज नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई किसान साथी गन्ना वीडर खरीदना चाहता है तो आप क्या सलाह देनी चाहोगे? एग्रीजोन से बढ़िया मुझे कोई नहीं लगा। इससे पहले भी आपने अलग अलग कंपनियों के चलाए होंगे? चलाया था मैंने, एक काशीपुर का था। अच्छा, वो मुझे मेरे पसंद आया। अच्छा, ये बढ़िया लगा आपको? हाँ, ये बढ़िया लगा। कब खरीदा है आपने ये? ये मैं 4 दिन हो गए मुझे लाए हुए। अच्छा, बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कोई कमी हो बता दो। 50 बीघे जमीन जोत पाया हूँ उससे। कोई कमी हो गन्ना बीडर में? नहीं, कोई कमी नहीं। कोई भी कमी नहीं है मनमीत भाई? कमी तो आपके बीडर में कोई नहीं है। जी जी जी, आप इसमें क्या क्या खासियत है विस्तार से बताइए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज तो ये कंपनी की बनी हुई है। हाँ जी, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसका जो गियर बॉक्स है। हाँ जी, वो बोल्ट पे है, बेल्ट अपना उस पे नहीं है, वेल्ड पे, वेल्डिंग में नहीं है। अच्छा, क्या होता है ये जो है गियर, हाँ जी,
ये वोल्ट पे है, सभी कंपनी क्या देती है, वेल्ड पे देती है। अच्छा। अगर 5-7 साल बाद इसमें कोई कभी शिकायत आई गियर बॉक्स में, तो क्या होता है, वेल्ड काटना पड़ता है। अच्छा। है जी, ये इसलिए हमारे बोल्ट पे दिया है, आसानी से रिपेयरिंग कर सकता है। अच्छा जी। अच्छा। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जो ये यहाँ देख रहे हैं, दो चादर एक जगह जुड़ी हुई होती है, सभी कंपनियां क्या करती है, इसे बेल्ट से ढक देती है, और जब आप इसमें रिपेयर करवाओगे आपको मिस्त्री से बेल्ट कटवाना पड़ेगा। बिल्कुल कटवाना पड़ेगा, बेल्ट हो नहीं सकता उस पर, दोबारा नहीं हो सकता, तो गियर बॉक्स खराब ही हो ही जाता। अच्छा, ठीक है जी। सबसे तीसरी बात मैं बता दूं, ये अपना 580 केजी वेट में है, इतना हैवी मजबूती में बना हुआ है, किसी कंपनी का नहीं है। अगर हम देसी भाषा में बोले 5 क्विंटल 80 किलो, 5 क्विंटल 80 किलो, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, ये जो टॉप फ्रेम है, हाँ जी, कितना बड़ा टॉप फ्रेम है, अदर क्या देते हैं, पत्तियों में देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो इसमें ये वाला टॉप फ्रेम नहीं देते। अच्छा। इतना हैवी मजबूती में बहुत बढ़िया टॉप फ्रेम है। और किसान साथियों, आप देख सकते हैं कंपनी ने छोटे छोटे जो इसमें बदलाव किए हैं, उससे ये रूटावेटर कामयाब होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टॉप फ्रेम देखो, इसमें बुश लगा के दिया है, बुश लगा के दिया है, जिससे कि किसान को कोई मरम्मत ना करनी पड़े, ऊपर भी नीचे भी, हाँ जी, नीचे लिंकों पे भी बुश है और ऊपर भी बुश है। और ये देख सकते हैं, दो दो इसमें लगाने के लिए सुराख दिए गए हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं आप, बीच वाली हांडी है वो दो गियर बॉक्स में दी हुई है। अच्छा, एक मल्टी स्पीड गियर बॉक्स, ये सिंगल गियर स्पीड गियर बॉक्स। अच्छा, कोई भी हमारा 1000 चक्कर वाला किसान भाई है या 540 आरपीएम वाला है, वो आसानी से चला सकता है। अच्छा। गरारी चेंज करने के बाद। अच्छा। हाँ जी, सबसे और मैं आपको बात बताऊं, इसकी खासियत क्या है, जो ये इधर उधर एडजस्टिंग हो जाता है बहुत आसानी से। आप किसान भाई से ट्रैक्टर से उठाए, हाँ जी, 4 बोल्ट लूज करे आगे के, 4 पीछे के, हाँ, ठीक है जी, वो अपने इधर से आसानी से एडजस्टिंग कर सकता है खेत पे, अकेला किसान भाई, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। और देख रहा हूँ आपके गन्ना वीडर में, किसान भाइयों आपने भी देखा होगा, क्योंकि मैं भी और आप भी गन्ना वीडर देखते रहते हैं, ये वाली चीज किसी भी गन्ना वीडर में नहीं दी गई, नहीं आती जी, बिल्कुल नहीं आती है, ये इसकी मजबूताई के लिए दी गई, बिल्कुल है। बिल्कुल हैवी क्वालिटी है, मजबूताई के दी। सबसे बड़ी बात बताऊं, एक छोटे से छोटे बोल्ट को आप किसी को चेक कर सकते हैं, 10.9 का बोल्ट है, सभी देते हैं 8.8 mm उसका बोल्ट। अच्छा। जी, जो कि क्वालिटी को घटाता है, हाँ बढ़ाता जी, नहीं है, हाँ जी, हाँ, ठीक है जी, इसमें एक से एक छोटी से छोटी चीज का इतना विस्तार रूप से ध्यान रखा हुआ है, कोई रख नहीं पाती कंपनी वाले। अच्छा जी। और अगर हम बात करें इसके पीछे वाले पटले की, किसान क्या करते हैं, इसे मोड़ लेते हैं। जी जी, मोड़ लेते हैं। ये देखो हमारा जो पीछे वाला पटरा है ना, हाँ जी, आप ये देखोगे कितनी ठोस है, हाँ जी, हाँ, ठीक है जी, उसमें क्या करते हैं, छोटा होने के कारण भी इतना हैवी मजबूती में बनाया हुआ है, हाँ जी, सभी क्या करते हैं, वो लोकल वही पत्ती लगा के दे देते हैं, हाँ जी, ये इस चीज की भी इसमें ध्यान रखा हुआ है। और साइडों में भी किसान भाइयों आप देख सकते हैं, अलग से इसकी सपोर्ट के लिए, ये आप देखिए काफी हैवी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, जो आगे इसकी फाली लगाई हुई है, हाँ जी, जो बैट को इतना बढ़ाती है ना फाली, हाँ जी, और फाली भी एडजस्टिंग है, हाँ जी, ये पिन से एडजस्टिंग है, आप पिन निकाल के इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, और काफी मजबूत दी, बहुत हैवी mm मोटी चादर की लगी हुई है, 15-16 mm जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकतर जो शिकायत आती है गन्ना बीटर में, जो और कंपनी के है, शायद कंपनी का तो कहो मत, सब अपनी देसी अभी तक देसी ही बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये मैकेनिकल सील में है, कोई नहीं दे पाती मैकेनिकल सील, ये इतनी अच्छी सील हैवी ड्यूटी में होती है, आसानी से लीकेज नहीं हो पाती है। तो जो सबसे ज्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है गन्ना बीटर में, वो आती है लीकेज की, लीकेज दे दिया मैकेनिकल सी दे दी, जो कि लीकेज की कोई शिकायत ही नहीं है। और जी उससे भी ऊपर मैं बता दूं, 2 साल की गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी देती है कंपनी, विद टोल फ्री नंबर के साथ। रूटावेटर पे टोल फ्री नंबर भी है, चाहे आप देख सकते हैं, हमारे किसान भाई को दिखा भी सकते हैं, ये देखिए टोल फ्री नंबर है, इंडिया में कोई कंपनी नहीं दे पाती है टोल फ्री नंबर, कोई भी कंप्लेंट आए 2 साल के अंदर अंदर किसान भाई हमारा टोल फ्री नंबर पे फोन मारे, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उसके किसान भाई के घर पे ही सर्विस होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, मैंने अधिकतर कुछ गन्ना बीडर में देखा है कि ये जो सापट लगी हुई है, हाँ जी, ये अधिकतर कुछ की टूट जाती है, आपकी तो नहीं टूटेगी? बिल्कुल भाई, आपने देखा होगा जो ठोस सापटे होती है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें शिकायत आती है, वो एकदम टूट जाती है, हाँ जी, झटका लगने के कारण, क्योंकि वो लोहा लोहा तो दे देते हैं ठोस, हाँ, पर लोहे की क्वालिटी नहीं दे पाते, थिकनेस, हाँ जी, ये हमारी जो पीटीओ सापट होती है ना, हाँ जी, अंदर से वो होती है खोखली, खोखली होती है, हाँ जी, खोखली क्यों होती है, उसकी हैवी क्वालिटी इतनी मजबूती बना के देते हैं, तो इसलिए खोखली करके देते हैं, वो आज लो आपने टूटी हुई नहीं दी होगी, तो सेम ही इसमें ही क्वालिटी लगाई हुई है, पीटीओ वाला पाइप इसमें लगाया हुआ है। अच्छा जी, अगर हम बात करें इसमें जो स्प्रिंग दिया गया है वो किस क्वालिटी का दिया गया है? ये जो नॉर्मली हमारे 7-8 फीटे रूटर में आता है, सेम ही स्प्रिंग लगाया हुआ है, बेशक ये चाहे इसका छोटा पटरा सही, फिर भी वही स्प्रिंग लगाया हुआ है हमारा। अच्छा जी,
आपके इस गन्ना बीडर के साथ गारंटी कितने दिन की मिलती है? 2 साल की गारंटी तो विद टोल फ्री नंबर के साथ। अच्छा जी, कंपनी से। गारंटी में क्या रहता है, अगर हमारा कहीं गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई तो आप गियर बॉक्स चेंज करके दोगे या फिर नया दोगे? गियर बॉक्स जी पूरा ही नया मिलता है। अच्छा, जैसे आपका बैरिंग गराई टूट जाता है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, अदर कंपनी क्या करती हैं, जो देसी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बैरिंग नया डाल देते हैं। हाँ जी, है जी। यार बैरिंग टूट किस कारण रहा है, हाँ जी, ये हाँ। समझ में नहीं आता। हाँ, एक बार टूट रहा है, दो बार टूट रहा है, इसमें क्या है, हमारा पूरा मर्जी खत्म कर देते हैं। अच्छा, पूरा गियर बॉक्स ही नया हो जाता है। अगर कोई भी खराबी आती है उस पार्ट्स को निकाल के पूरा ही चेंज होता है। हाँ, पूरा ही चेंज होता है। अच्छा जी, और अगर हम बात करें, हमारा कोई किसान साथी आपसे इस गन्ना बीडर को खरीदना चाहता है तो अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर बताइए और एड्रेस बताइए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 95200, पूरा 200 है। हाँ जी, 95271-999, 95271-999। किसान भाइयों, आप इस नंबर पर संपर्क करके एग्री जोन के सभी इम्प्लीमेंट्स मनमीत भाई से खरीद सकते हैं और इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। और आपको हमने आज किसान से भी सुनवा दिया, किसान गन्ना बीडर लेकर काफी खुश है। और मैं अभी आपको चलवा के दिखाता हूँ, आप देखिए जो अदर बीडर क्या होते हैं वो गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, कूद के चलते हैं, बिल्कुल साइलेंट चलेगा, किसी प्रकार की आवाज नहीं आएगी। चाहे अभी इस चीज का आप डेमो लीजिए खेत, गड़गड़ जो करते हैं वो उठा के बहुत ज्यादा करते हैं, चलवाइए आप। मैं हल्का सा उठा के चलवाऊंगा, ये देखिए, पहली बात तो मैंने पूरा डाउन करके चला, बैठ कितनी ज्यादा है किसान भाइयों, ये करीबन 7-7.5 हैवी बैठ है, 8 इंच बैठ है इसकी। ये अभी मैं उठवा के चलवाऊंगा आपको, ये देखिए फिनिशिंग भी क्या बढ़िया आई है, खेत में पत्ती है काफी। हाँ जी, आप इसकी बैठ देखिए, अभी उठवा के भी चलवाऊंगा मैं, थोड़ा सा मारियो जी चक्कर। नीचे करो थोड़ा, किसान साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी गन्ना बीडर हैं उनमें सब में एक शिकायत है, अगर आप उन्हें उठा के चलाओगे तो उनके अंदर से घड़ घड़ की आवाज़ आती है। आप इसकी आवाज़ सुनिए, कोई आवाज़ नहीं है इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, और कितना शानदार चल रहा है। गन्ना बीडर की तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, सिर्फ ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, की आवाज़ है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार चल रहा है, ये देखिए। अगर आपको इस गन्ना बीडर में कोई आवाज़ महसूस हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मुझे तो कोई आवाज़ लग नहीं रही है। चलो ये देखो किसान भाई, जो अपना शुगर केन बीडर है बिल्कुल साइलेंट चल रहा है, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं है। और आप इन डोली से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गहराई लेकर चल रहा है, ना गड़गड़ ना खड़गड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी गहरी जुताई लेके चल रहा है, कोई नहीं ले चल सकता। क्यों जुताई लेके चल रहा है, गहरी आगे फाली लगाई हुई है, ये देखिए बिल्कुल साइलेंट चल रहा है, आप आगे फाली लगाई हुई है, ये देखिए खूब हैवी मजबूती में, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट लेके चल रहा है। और आप किसान भाई खुद ही इस चीज़ को जांच सकते हैं।